नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वन कर्मियों का तीसरे दिन भी आंदोलन रहा जारी, वन्य जीव की सुरक्षा राम खबर। बीड़ा सभागार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ली मीटिंग, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पशु चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन, पशुओं में खुर पका मुंह पका टीकाकरण किया। मिलावटी दूध कराया नष्ट, दूध की कैन किए जब्त। और अब खबरें विस्तार से। संगीतमय 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में बुधवार को शुरू हो गया। श्री राम कथा के पहले दिन संत शंभू शरण लाटा ने राम नाम की महिमा बताते हुए कहा कि कलयुग में कोई इंसान कपट नहीं करे, यह बहुत आश्चर्यजनक है। कलयुग के दुष्प्रभावों से भगवान श्री राम का नाम ही बचा सकता है। संत शंभू शरण लाटा ने श्री राम कथा की शुरुआत श्री राम, जय राम भजन से की तो ऑडिटोरियम तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ इनके साथ आए संगीत समूह ने कई वाद्य यंत्र बजाए तो वातावरण पूरी तरह भावमूढ़ हो गया। संत लाटा ने कहा कि कलयुग में बिना सिखाए ही पाप सीख रहे हैं, ऐसे समय में भगवान श्री राम के नाम लेने वाले कथा कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। वर्तमान में श्रद्धा बढ़ी है लेकिन लोग अपना अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप भगवान श्री राम पर विश्वास करते हैं तो दुष्टता छोड़ी होगी। धन से आप सुख नहीं पा सकते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत धन है लेकिन वो भी अपने आप को अभाव में मानते हैं, जिससे यह पता लगता है कि भीतर को बिना संवारे बाहरी सुख बेकार है। गरीबों की सेवा से खुश होते हैं। संत लाटा ने कहा कि प्रभु तो गरीबों में बसते हैं। जब आप अभावग्रस्त और जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो आप सीधे ही भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमें किसी के अवगुणों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हनुमान की आराधना से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। संयोजक मंजू चौधरी अग्रवाल के अनुसार संगीतमय श्री राम कथा के दूसरे दिन गुरुवार को शिव पार्वती विवाह प्रसंग होगा। यह कथा प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी, जिससे किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। कथा में किसी प्रकार का चढ़ावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कथा के पहले दिन समाज के गणमान्य लोग और कई राज्यों के श्रद्धालु आए। इस कथा का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। इसके प्रचार प्रभारी आशुतोष शर्मा और सौरभ कालरा है। टपुकड़ा बाईपास पर प्रजापति मोहल्ला वार्ड नंबर 3 से वार्ड वासियों ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अक्टूबर 2020 में भगत के मकान से दूल्हे चंद के मकान की तरफ इंटरलॉकिंग टाइल खड़जा निर्माण कार्य में नाली चैम्बर का निर्माण हुआ था, जो लगभग 17 महीनों में ही क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क की टाइल भी उखड़ गई है, कुछ चैम्बर टूट गए हैं तो कुछ बंद हो गए हैं। रास्ते में हमेशा पानी भरा रहता है और लोगों का निकलना भी दूभर हो रहा है। लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। इस बारे में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका का कहना है कि जैसे कि तहसीलदार कार्यालय से कोई पत्र प्राप्त होगा तो मौके पर जाकर देखकर उसका उचित निवारण करेंगे। समस्या है कि मतलब रोड बिल्कुल मतलब खराब हो रखा है और इसमें पानी भरा हुआ है। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई मतलब वो नहीं है। जो दो कल एक पैर टूट गया, एक बच्ची का, एक बच्चे का। अच्छा, और कल की शादी है, 3 शादियां है वहाँ पे, एक 16 तारीख की है, 22 तारीख की शादी है। तो इतना मतलब परेशानी हो रही है। 25 की शादी है, एक लड़के की है, 2 बच्चों की शादी है। तो ये परेशानी के लिए हम यहाँ पे ज्ञापन इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा ने तहसील के गुजरपुर खुर्द गांव में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। निकरा परियोजना के अंतर्गत चयनित गांव में पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर विकास आर्य ने पशुओं की देखभाल एवं उन्नत पशु की नस्लों, पशुओं में बांझपन के बारे में चर्चा की और उनके लक्षण के बारे में अवगत कराते हुए उनके निदान के लिए आवश्यक बातें किसानों को बताई। साथ ही अलावड़ा से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुभाष वर्मा ने पशुओं के रोगों के निदान एवं सरकारी योजनाओं जैसे कि
पशु बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गुजरपुर गांव में आयोजित पशु चिकित्सा शिविर के बारे में जानकारी देते हुए फसलों में विभिन्न प्रकार के होने वाले रोगों के बारे में बताया, साथ ही उनके निदान के लिए आवश्यक बातें बताई। डॉक्टर पूनम प्रसाद शिक्षा ने प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया एवं रसायनों से होने वाले नुकसान से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से किसानों को अवगत कराया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के बारे में जानकारी प्रदान की गई। केंद्र के वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता पुष्कर देव एवं कमलेश कुमार यादव ने तापक्रम में वृद्धि के कारण फसलों पर हानिकारक प्रभाव से अवगत कराया और बागवानी से संबंधित जानकारी दी, साथ ही नर्सरी से संबंधित जानकारी भी दी गई। पशु चिकित्सा शिविर के दौरान गांव में 120 पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण किया। इस आयोजन में गांव के 150 कृषक महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया तथा पशुधन से संबंधित रोगों की जानकारी ली। भिवाड़ी के बीड़ा सभागार में बुधवार को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बीड़ा सहित भिवाड़ी के सभी महकमों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान बीड़ा, रीको, नगर परिषद, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, आवासन मंडल सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में बीड़ा के द्वारा ऑक्शन की गई संपत्ति का 15% पैसों का चेक शकुंतला रावत ने नगर परिषद को सुपुर्द किया, साथ ही 10 तारीख को पेश होने वाले बजट पर राय शुमारी की गई। इस दौरान उद्योग मंत्री के साथ स्थानीय विधायक संदीप यादव, नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर, अनेक पार्षद व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान सरकार आम जनता व किसान गरीब तकवे के लोगों के साथ हर जाति और धर्म का सम्मान करने वाली सरकार है। राज्य सरकार के द्वारा पिछले 4 बजट में की गई सभी घोषणाओं को पूरा करते हुए राजस्थान का संपूर्ण विकास करने का प्रयास किया गया है। 10 फरवरी को आने वाले बजट में भी भिवाड़ी सहित पूरे क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बजट में भिवाड़ी को जिला बनाने की सबसे बड़ी मांग रखी गई है, वह इस मांग का समर्थन करती है, लेकिन कोटपुतली को भी जिला बनाने का समर्थन करती है। अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा तिजारा विधायक संदीप यादव को उम्मीदों से ज्यादा दिया गया है और इस बजट में भी उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान में बेरोजगारी सहित आए दिन हो रहे परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले पर बोलते हुए शकुंतला रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और उन्होंने तुरंत ही लीक हुए पेपरों को रद्द करते हुए परीक्षाएं दोबारा से कराने की घोषणाएं की और सभी परीक्षाएं दोबारा से हो चुकी हैं। साथ ही हुए पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। उद्योग मंत्री ने बीड़ा और नगर परिषद की पीठ थपथपाते हुए कहा कि भिवाड़ी नगर परिषद और बीड़ा आपसी सामंजस्य से बिठाते हुए अच्छा काम कर रहे हैं और वह उनके काम की तारीफ करती है। आज हमारी जो नगर परिषद है उसको हमारी तरफ से जो 15% राशि जो नगर परिषद इंडिया के ऑप्शन करते हैं जो मिलते विक्रय करते हैं तो उसमें उनका 15% का होता है सरकार के नियमों के साथ। तो वो चाहे जो उसको मिल वहाँ पर मिलते हैं, साथ में कुछ विशेष भी हो जाते हैं क्योंकि नगर परिषद को किस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या फिर बीड़ा को है या फिर जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, अन्य है, तो उस तरीके की कुछ मीटिंग को भी डिस्कस होता है। जैसे साहब हमारे संदीप यादव जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं, अन्य पार्षद हैं, और आर एन जी एम से जो कोई समस्या होती है रास्ते की जो भी जैसा भी आपने सुना तो उनको भी डिस्कस होगा साथ साथ। और ये नगर परिषद को एक आय का एक बड़ा साधन है कि जिससे कि नगर परिषद की मांग आती रहती है, जो हमारे पास सफाई का पैसा नहीं है और या किसी तरीके से हमारे परीक्षा देने का पैसा नहीं, तो इस तरह से ये रूटीन चलता रहेगा और नगर परिषद की भी इनकम इसमें बढ़ती रहेगी। तो उसमें काम चलता है, बीड़ा और नगर परिषद दोनों मिलकर के आपस में सहयोग से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों से जो नगर परिषद भी लोग अधिकारी पत्र लगा दें कैसे आप सामंजस्य बना रहे हैं। बजट को लेकर में चर्चा हुई से हमारे भाई संदीप जी जो अपनी मांगे कर रहे हैं, किस तरह से मैं
11 विधानसभा क्षेत्र धुराड़ी और सभी जगह कुशेड़ा का क्षेत्र सभी जगह पर किस तरह से विकास कर सकता हूँ, काम में लगे हुए हैं हमारे सक्रिय है विधायक और एक से मांग करते हैं, मुझे तो लगता है इसको ज्यादा मिलता है विधानसभा जिला है। इसकी बड़ी मांग है कि मूलनाड़ा से जो लिंक रोड है जो यहाँ से जुड़ाने का काम करेगा वो भी 49 किलोमीटर के लगभग बता रहे हैं और भी अन्य मांग है कई परिस्थिति की जो भी जिले भाई जिले की मांग भी कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी जिसका बने बीमारी मुझे कोई अपराध नहीं, लेकिन हमारा भी कल्याण मोट जो है जिला बनना चाहिए और जितने भी बनाए सी सब अच्छी बात है, क्योंकि जितने छोटे जिले होंगे तो उतना ही ज्यादा एक विकास को गति मिलेगी और अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग विकास होगा, अच्छी बात है। एनटीए द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा जेईई के नतीजों को जारी करने के बाद आरपीएस धारूहेड़ा विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यार्थियों ने इस परीक्षा परिणाम में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए संस्था शिक्षकों व अभिभावकों के साथ साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। विद्यालय की प्रचारक श्रीमती रमनप्रीत कौर ने बताया कि 52 विद्यार्थियों ने जेईई मेन क्वालिफाई कर दूसरे चरण की परीक्षा में अपना स्थान निर्धारित कर लिया है, जो कि हम सबके लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 4 छात्रों ने 99 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, जिनमें अभिनव चौधरी ने 99.76, सौरभ ने 99.40, समीर गुप्ता ने 99.31, जगदीश ने 99.22 परसेंटाइल हासिल की है। वहीं 13 छात्रों ने 95 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त किए, इनमें अभिषेक ने 98.69, आदित्य भास्कर ने 98.33 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, हर्ष शर्मा ने 97.82, नितिन तिवारी 97.19, राज प्रताप सिंह ने 96.89, हिमांशु वर्मा ने 96.80, हर्ष ने 96.28, अपर्णा ने 96.42 और लोकेश ने 95 परसेंटाइल हासिल किए। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश का सही विकास शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि संस्था का उद्देश्य प्रत्येक छात्र को उचित मंच प्रदान कर उन्हें उनके मकसद में कामयाब बनाना है। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर पवित्रा राव ने विद्यार्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अग्रणी बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक अच्छी तैयारी किसी को भी सफलता की ओर ले जाती है, इसके लिए एक निश्चित रणनीति की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह समय प्रबंधन के साथ साथ पढ़ाई के दौरान एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम पहले 4 फरवरी को शीतल बड़ौदा में भी प्रस्तावित था, लेकिन क्षेत्र के किसानों द्वारा चंबल के नहरी पानी की मांग और रीको औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के कारण 12 फरवरी को दौसा में प्रस्तावित किया गया है। क्षेत्र के किसान लंबे समय से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करके अलवर सहित 13 जिलों में नहरी पानी की मांग कर रहे हैं। पूर्व में प्रधानमंत्री जयपुर और अजमेर की सभा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की बात कह रहे थे, लेकिन 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें किसानों में रोष व्याप्त है। 4 साल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया तो नहर क्यों नहीं लाई जा रही। जब भी केंद्र और राज्य सरकारों से नहरी पानी की बात की जाती है तो एक दूसरे पर इल्जाम लगा देते हैं। जब दोनों सरकारों की मर्जी से रोड बन सकता है तो नहर परियोजना लागू करने पर ही क्यों इल्जाम लगाए जाते हैं। ऐसी राजनीति से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। इसी संदर्भ में किसान 12 फरवरी मथुरा वाया दौसा से जयपुर रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। किसानों की मांग है कि दोनों सरकारें बैठकर जल्द से जल्द किसानों की मांग पर विचार करें। डीपीआर में छूटे नदी नाले और बांधों को ईआरसीपी की डीपीआर में जोड़कर जल्द से जल्द परियोजना लागू की जाए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लंबे समय से क्षेत्र में ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें अलवर सहित 13 जिलों को नहरी पानी देने की बात कही गई है, जो 2017 से 2023 में वो 7 सालों में पूरा होना था, लेकिन उसमें अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। और प्रधानमंत्री जी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जो 4 तारीख को उन्होंने सीता अलवर में आना था, लेकिन वो किसानों के विरोध के चलते वो दौसा में 12 फरवरी को शिफ्ट कर दिया गया था। तो हम शासन और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जब 12 फरवरी को प्रधानमंत्री जी दौसा में आए तो चंबल के नहरी पानी की कोई
पुख्ता जो जानकारी है वो देकर जाए और इसको बल्कि पूरा कर जाए, ताकि 7 सालों में इसमें एक ईंट भी नहीं लगी है और 5 सालों में पूरा रोड बनकर तैयार हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 12 फरवरी को मथुरा वाया दौसा जयपुर रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। बहुत बहुत। अलवर शहर के काला कुआं कॉलोनी में घर से पार्क में घूमने गया व्यक्ति लापता हो गया। लापता व्यक्ति के पुत्र अनुज तनेजा ने बताया कि उनके पिताजी गणेश तनेजा काला कुआं कॉलोनी में स्थित अपने निवास 1/447 से घर के सामने पार्क में घूमने गए थे, लेकिन उसके बाद वे घर नहीं लौटे। लापता गणेश तनेजा बोलने में असमर्थ है और समझ भी नहीं पाते हैं, साथ ही दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है। गुमशुदगी की रिपोर्ट अरावली विहार थाने में दर्ज कराई गई है। मेरे पिताजी का नाम गणेश तनेजा है, जो मानसिक रूप से भी थोड़े ठीक नहीं है, तो वो डेली पार्क में घूमने जाते हैं। आज भी गए थे पार्क में और 5-10 मिनट के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन आज 5-10 मिनट के बाद वापस नहीं आए। तो मैं पार्क में देखने गया तो मिले नहीं और 5-6 घंटे हो गए, अभी तक वो घर पर नहीं लौटे हैं। जिनके बाएँ हाथ पे जीडी तनेजा लिख रखा है, जिनका पूरा नाम है गणेश तनेजा और घर का एड्रेस है 1/447 का लकुआ रावली बिहार। मानसिक रूप से परेशान थे, रूप से थोड़ा ठीक नहीं है वो, और ना वो अभी सही तरह बोल पाते हैं और ना किसी को समझा पाते हैं, तो बोलने में थोड़ा ऐसा मर्द है। आप लोगों ने अभी ढूंढा है? अभी हमने ढूंढा है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड गुरुद्वारे गए हैं, कहीं मिले नहीं है, तो ढूंढने का प्रयास कर ही रहे हैं। क्या पहचान है, उन्होंने क्या डाल रखा? उम्र 58 से 57 साल है और काले कलर की पैंट पहन रखी है और ऊपर आधी जर्सी पहन रखी है, स्वेटर हाफ बाजू की। ढूंढ ही रहे हैं उनको, परेशान हो सुबह से घूम रहे? सुबह से परेशान है, घूम रहे हैं, सभी यार दोस्तों को बोल रखा है, वो घूम रहे हैं। कंट्रोल रूम में आपने फोटो दे बोल दिया है, थाने में बोल दिया है, ढूंढ ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनुष्य तो नहीं जाया, मैं उनका बेटा हूँ। कहाँ रहते हो? काला कुआं 1/447 खराब मीडिया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई, आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई, हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा, आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी के समीप सरिस्का अभयारण्य में सैकड़ों वन कर्मियों का आज तीसरे दिन भी सरिस्का कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी वन कर्मी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार आंखें मूंदे बैठी है और उनकी विकट परिस्थितियों में कार्य के प्रति कर्तव्य कर सजग रहकर ईमानदारी के साथ कार्य करते रहने पर भी सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। कर्मचारियों की अन्य भागों की तरह वेतन में वृद्धि करना, पदों के नामकरण करना सहित अनेक मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। इस मौके पर वन कर्मियों के द्वारा मुंडन करवाकर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया एवं पुरानी साइकिल पर महिला वन कर्मियों के द्वारा ड्यूटी करते हुए अपना कर्तव्य निभाने का वादा पूरा कर विरोध जताया। 9 फरवरी को राज्य सरकार के द्वारा अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो सभी वन कर्मी सरिस्का पांडुपोल मार्ग मुख्य प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे एवं सरकार के खिलाफ अर्थी निकालेंगे। संघ के अध्यक्ष रामवीर ने बताया कि अगर राज्य सरकार के द्वारा बार बार चेताने पर भी हमारे अधिकारों का हनन किया गया तो आर पार की लड़ाई की जाएगी। रामवीर ने बताया कि जंगल के अंदर कोई कर्मचारी चौकियों पर नहीं है, सभी धरना प्रदर्शन पर मौजूद है। यदि जंगल में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसका वन विभाग जिम्मेदार होगा। आओ, कर्मचारी कितना कर रहे हैं, अपने बाल मुंडवा रहे हैं, चिरनिद्रा में सो रही है। सरकार को अपना पद त्याग देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिस राज्य के कर्मचारी अपने बालों को भी और अपने बच्चों को फैमिली को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, ये कंडीशन में आ गए और सरकार सोच रही है कि कर्मचारी कुछ नहीं करेगा। कर्मचारी कितना शहीद होएगा आज देख लो, ये हालत क्या हो चुकी है कि कर्मचारियों ने खुद के बाल मुंडवा दिए। कर्मचारियों का जो बहिष्कार कार्यक्रम है उसका तीसरा दिन है, अभी तक हमारे या हमारे संगठन के पदाधिकारियों के पास कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है। विरोध स्वरूप आज से जब तक धरना चलेगा 5 कर्मचारी प्रतिदिन अपना मुंडन करवाएंगे और सरकार को अब भी सोचना चाहिए कि अब भी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो कल हम एक अर्थी निकाल के पूरा सरिस्का में घुमाया जाएगा और पूरे जो कार्यक्रम है हमारी तरफ से, हम सरकार को जब हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं कर रही तो हमारे लिए सरकार मर चुकी है। आज बाघों पे, पर्यावरण पे इतना खर्च किया जा रहा है, इन कर्मचारियों को शुद्ध तक नहीं ली जा रही और ये एक चेतावनी है। मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये चेतावनी है, ये अब इनको हल्के में न ले वन कर्मचारियों को, इनकी संख्याओं में जिस दिन ये अपने रोध रूप में आ गए बहुत भारी पड़ेगा, उसका परिणाम सरकार को चुनाव में तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी पूरी जनता भी परेशान है। साइकिल मिलती है और हमारी बेट का क्षेत्रफल 15-16 किलोमीटर होता है। मान लो अगर कोई खनन माफिया या शिकारी आ जाए तो हम इस साइकिल से उसका पीछा कैसे करेंगे, और इसके लिए हमें 50 रुपए मिलते हैं। अगर हम ये साइकिल पेंचर भी हो जाती है तो पेंचर वाला ही ले लेता है 50 रुपए। टपुकड़ा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में भाजपा मंडल टपुकड़ा की बैठक आयोजित हुई। इसमें भाजपा अलवर उत्तर के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव ने कहा कि चुनाव में 300 दिन बचे हैं, अब हमें बूथ एवं पन्ना स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है एवं पार्टी के डाटा प्रबंधन पर प्रकाश डाला। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा 7820007820 पर मिस कॉल देकर सरल ऐप के माध्यम से पार्टी से जोड़ना है। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं के फोन में सरल ऐप चालू कराया। विजय यादव को डेटा प्रबंधन का मंडल संयोजक का दायित्व दिया गया है। यदि ऐप से संबंधित कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो विजय यादव से संपर्क करें। मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान ने नव मतदाता अभियान के बारे में बताया। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर नव मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ें एवं वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाने में मदद करें। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, नेहा गोयल MPS, कालू महाजन, महावीर पवार, सतबीर सिंह, मनोज जांगीर, मनीष शर्मा, सोनू चौहान, अनूप यादव, इरशाद हकीकत खान, आकिब अमन, शिबू गोयल, रहीस शाकिर, प्रशांत शर्मा, हरिप्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे। हरसोली कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को इंदिरा IVF की सौजन्य से केंद्र पर ममता संस्थान द्वारा फ्लो वर्कर्स मीटिंग अग्रणी पंक्ति कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन में ममता संस्थान से सलीम जावेद ने ममता संस्थान एवं प्रोजेक्ट आस गतिविधियां, उद्देश्य, स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं निदान, मासिक धर्म के समय स्वच्छता, प्रजनन अंगों का संक्रमण, पोषण, खून की कमी, बचाव, निसंतान के प्रकार एवं कारण पर चर्चा,
प्रतिभागियों के विचार, भ्रांतियों एवं सुझाव की जानकारी दी। प्रशिक्षण से पूर्व व पश्चात आशा ANM ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में ममता संस्थान से जिला संयोजक सलीम जावेद, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पंकज मलिक, आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विमल कुमार शर्मा, चिंतामणि सैनी व ममता संस्थान से सतीश पाल, सविता यादव आदि मौजूद रहे। उद्योग नगर थाना क्षेत्र देसूला खोड़ गांव में रास्ते के बीच पानी के ड्रम में बाइक से टक्कर लगने पर विशेष समुदाय के लोगों ने एक परिवार के चार लोगों पर लाठी फर्जी से हमला कर दिया, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उद्योग नगर थाना पुलिस ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां चार लोगों का इलाज चल रहा है। घायल मिथिलेश कुमार ने बताया कि मैं और मेरा बेटा मनीष अलवर से बाइक पर सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी गांव के रास्ते पर आजाद और शेरा ने पानी का ड्रम भर कर रखा हुआ था, तभी बाइक अनियंत्रित होकर उस ड्रम पर जाकर लगी और ड्रम से पानी फैल गया। उसके बाद आजाद और शेरा सहित अन्य लोगों ने मिथिलेश और उसके बेटे मनीष पर लाठी फर्जी से हमला कर दिया। जैसे ही परिवार को सूचना लगी तो मिथिलेश की पत्नी शोभा देवी और उसका पड़ोसी कुंदन बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन लोगों ने उनके ऊपर भी लाठी फर्जी से हमला कर दिया, जिसमें मिथिलेश, मनीष, शोभा और कुंदन गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर मारपीट करने वाले आजाद और शेरा सहित अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल लोगों के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार दुबे। क्या हुआ था? मैं और मेरा लड़का मनीष, जो कि अलवर से सामान लेकर के बाइक पर जा रहे थे घर, और घर पे हमारा रास्ता रोक रखे हैं, वहाँ हमको 20 फुट के रोड में हमें 1.5 फुट दिए हैं। किसने रोक रखा है? आजाद और उसकी पत्नी सबीला। बार बार हमारे बोलने पे वो हमको मारने की धमकी देते हैं और पीटने की धमकी देते हैं। आज जब मैं लेकर के सामान आ रहा था तो ड्रम में टच होने के बाद ड्रम गिर गया और उसका पानी फैल गया, उसके बाद वो अंदर से लठ और ईंटे पत्थर लेकर के हमको मारने के लिए दौड़े। कौन कौन ने मारपीट करी है? आजाद, शेरा की औरत और सबीला, ये उसका भांजे वगैरह बहुत से लोग आ गए और हमारे साथ मारपीट करने। किस चीज से मारपीट करी है? लठ और पत्थर। कितने लोग, किन के लगी है आपने? हम चार लोगों को लगा है। क्या क्या नाम है उनका? मिथिलेश कुमार दुबे, मनीष कुमार, पत्नी शोभा देवी और कुंदन, हमारा पड़ोसी कुंदन है जो कि बीच बचाव करने आए थे, उनको भी पैरों में चोट आई। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस आ गई जब ये वहाँ से भाग ली। टहला एवं राजगढ़ के विभिन्न गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि कृषि भूमि के विभिन्न लोगों के आवंटन को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने के लिए आवंटियों को नोटिस जारी किए गए हैं, तथा इस प्रकार के नोटिस लगभग सभी आवंटियों को दिए गए हैं, जबकि नियम विरुद्ध आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन अपनी अपनी आवंटित शुदा भूमि पर अर्जे दराज से काबिज किया जा रहा है, तथा उसके मकान आदि बने हुए हैं, तथा बोरिंग, बिजली कनेक्शन आदि भी लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आवंटन विधि समस्त है। ग्रामवासी ने जिला कलेक्टर से कहा कि आवंटनों के संबंध में कोई भी कमेटी का गठन कर दिया जाए, तथा कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात ही आवंटनों के बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया जाए। जो साहब, हमारे काश्तकारों की जो पहले जमीन अलॉटमेंट हो गई थी तहसील तेला में, उसको हमको नोटिस मिल गई निरस्त के और कार्रवाई करने के, तो उनको हम श्रीमान राजजी जी महोदय जी को ज्ञापन देने आया कि जो हमारे वाज्य में सही है तो कमेटी बैठा कर उसकी जांच की जावे, जो वाजिब है उसको तो कैंसिल नहीं की जावे और जो गैर वाजिब है उसकी जांच करवा कर उसको कैंसिल की जावे। लगभग कितने लोगों की जमीन जा रही है? 90% बाबूजी बताएं, कितने लोगों की जमीन जा रही है इसमें? 900 आदमी करीबन 800-900 आदमी। तो उसको लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? तो पहले कभी दिया आपने समस्या? पहले कोई नहीं दिया, हमारे पास तो नोटिस जाने के बाद में हमें चेत हुआ है, फिर देने के लिए। कौन से गांव का मामला है? पहला नेशनल और समस्त ग्राम पंचायत। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर
और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार चालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई, हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुँचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के लोहिया के तिवारे पर स्थित राजेश पायलट मार्केट में रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि विकास निवासी मुजफ्फरपुर के रहने वाला था और उद्योग नगर स्थित राजेश पायलट मार्केट में किराए पर एक साल से रहकर कप प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में कार्य करता था। विकास बीती रात खाना खाकर सोया और सुबह कमरे में अचेत अवस्था में मिला, जिसको परिजन और पुलिस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। मृतक विकास के 3 बच्चे हैं। जैसे ही मृतक की पत्नी को विकास की मौत की सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये अचानक बीमार हुआ था, वो बीमार होने के बाद में इसको कोई हिचकी आई थी विकास चौधरी को, तो इसको ESI हॉस्पिटल ले गए और वहां फिर डॉक्टर ने इनको GHR में रेफर कर दिया। अच्छा, क्या नाम है इसका, कहां का रहने वाला है और ये क्या कर रहा था, ये कितने साल से रह रहा है? ये इसे फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, कितने साल से रह रहा है? 2.5-3 साल से रह रहा है। कहां का रहने वाला है, क्या नाम है? इसका नाम है विकास चौधरी ब्राह्मण। अच्छा, पिताजी का नाम है देवनाथ चौधरी। अच्छा, निवासी बटोलिया, पोस्ट गीता, थाना सरैया, मुजफ्फरनगर। यहाँ कहाँ रह रहा है फिलहाल? ये किराए के मकान में रहता है। पोस्टमार्टम करा दिया है? हाँ, पोस्टमार्टम करा दिया।
भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सभागार में बुधवार को कैंसर जागृति सप्ताह के तहत भिवाड़ी में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कोचर, MBBS, MD, राजीव गांधी राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर व टीम के द्वारा कैंसर से संबंधित जानकारियां दी गई और कैंसर पीड़ित रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। डॉक्टर राकेश कोचर ने कैंसर रोग की बारीकियों को बताते हुए उनसे बचने के उपाय भी बताए, साथ ही कहा कि आज के परिवेश में हम अपने खान पान को व्यवस्थित करने के बाद कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर की पहली स्टेज पर मरीज को पता नहीं चल पाता है, जिससे बीमारी लगातार बढ़ती रहती है और आखिर में मरीज तीसरी स्टेज पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शरीर में छोटी छोटी बीमारियों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह कर उचित इलाज करवाना चाहिए। शिविर में अनेक उद्योगपतियों सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए उचित परामर्श प्राप्त किया। इस अवसर पर BMA के पूर्व अध्यक्ष BM मित्तल, उपाध्यक्ष सुशील चौहान, नरेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव GL स्वामी, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, डॉक्टर राजेश चौधरी, राम अवतार गोयल, मुकेश जैन, विक्रम सिंह राजावत आदि उपस्थित रहे। उद्योगनगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको पुलिस ने आज जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद भी न्यायालय में पेश किया। उद्योगनगर के सहायक उप निरीक्षक साधु राम ने बताया कि परिवादी राहुल निवासी घेगोली ने थाने पर आकर मामला दर्ज करवाया था कि उनके गाँव घेगोली में उसका ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, जिसको अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। इस पर चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी की पुलिस ने तलाश शुरू की और पुलिस ने आरोपी इरफान निवासी सिकरिया का बास ठुमरेला को गिरफ्तार कर चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया है। दूसरा मामला उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां आरोपी राहुल निवासी गुंदपुर ने एक बंद फैक्ट्री में घुसकर लोहे की शटर चोरी कर ली थी, जिसको भी चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये राहुल को गिरफ्तार किया है चोरी के मामले में, जिसने बंद फैक्ट्री में शटर चोरी की थी, और दूसरा है इरफान, इसको गिरफ्तार किया है जिसने घेगोली में ट्रैक्टर चोरी किया था। इनको आज गिरफ्तार कर क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले दोनों? राहुल तो है गोंदपुर का और इरफान है सिकरिया का बास ठुमरेला, अच्छा, लक्ष्मणगढ़ इलाके का। दोनों ने चोरी की थी? हाँ, चोरी के मामले। आज न्यायालय में पेश किया? आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अलवर नगर विकास न्यास ने बुधवार को टेलको चौराहा स्थित शालीमार नगर योजना की मुख्य सड़क पर हुए पुराने अतिक्रमण को अवार्ड कर मुआवजा भी दे दिया है। रोड पर हुए अतिक्रमण को लेकर उसको JCB से ध्वस्त किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस जाप्ता और नगर विकास न्यास के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। नगर विकास न्यास अधिकारी ने बताया कि शालीमार नगर योजना में मुख्य सड़क मार्ग पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको JCB से ध्वस्त करवाया गया है। इसके अलावा विज्ञान नगर में तारबंदी की गई थी, उसको भी JCB से ध्वस्त करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास शालीमार नगर योजना का भाग है, इसलिए यहां पर हो रहे पुराने अतिक्रमण को हटाया गया है। ये क्या शालीमार नगर योजना की मुख्य सड़क है, इसमें पुराना निर्माण था, इसको अवार्ड भी कर दिया गया और जो भी नियमानुसार मुआवजा आदि बनता था वो उसको दे दिया गया, रेफरेंस कर दिया गया। तो ये रोड इसकी वजह से रुका हुआ और ये इस कॉलोनी का मुख्य प्रवेश रोड है, इसलिए उसको हटाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक विज्ञान नगर में न्यास भूमि पर तारबंदी करके अतिक्रमण किया, उसको हटाया जाने का रही है। ये न्यास की शालीमार आवास योजना का भाग है, तो इसको हटाया जाना आवश्यक था। जिले के राजगढ़ क्षेत्र में विद्युत सतर्कता दल की संयुक्त टीम साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। ग्रामीणों ने लाठी पत्थरों से टीम पर हमला किया। हमले में विभाग के करीब 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए एवं AEN सहित अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की। सतर्कता दल की टीम ने 4 हस्त निर्मित अवैध ट्रांसफार्मर, डिब्बे व KP सीटर जब्त किए हैं। ग्रामीणों ने जब्त किए सामान को छुड़ाने का प्रयास किया, बेमुश्किल टीम जान बचाकर मौके से वापस आई। धमरेड़ अनावड़ा सड़क मार्ग स्थित छतरी का बास का यह मामला बिजली विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध बिजली चोरी की विभिन्न धाराओं में राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है।
आज हमने हमारे राजगढ़ खंड के जो सभी गाड़ियां हैं हमारे सभी अधिकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त बिजली चोरी पकड़ने का एक वो चलाया था अभियान। उस अभियान के दौरान हमने ग्राम धमरेड़ अनावरा रोड छतरी के पास में विद्युत चोरी हमें पाई गई, मौके पर हमें विद्युत चोरी पाई गई। और विद्युत चोरी पाए जाने के दौरान जो हमने जब 20 सर बनने लगे तो ग्रामीणों ने हम पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठियों से हमारे पीटा गया और पत्थरों से हमारी गाड़ियों पर फेंके गए। फिर भी हमने अपने निगम की कार्रवाई को जारी रखते हुए अवैध डिम्मे का मतलब है कि अवैध ट्रांसफार्मर, हथकड़ीज ट्रांसफार्मर, जो लोग यहाँ पर देहातों में अपनी मर्जी से वो ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं और उससे विद्युत चोरी करते हैं, वो हमने 4 डिम्मे जब्त किए गए। 3 उपभोक्ताओं की 20 भरी गई। उपभोक्ताओं ने मौके पर जो भीड़ थी उन्होंने डिम्मे छुड़ाने का प्रयास किया, जो प्रयास किया उन्होंने पत्थर फेंके, लाठियां मारी, फिर भी हमने उनको नहीं छोड़ा। हम उनसे डिम्मों को जब्त कर लिया गया और उनके खिलाफ 20,000 भर दी गई है। पुलिस थाना राजगढ़ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और विद्युत चोरी अधिनियम की धाराओं के तहत तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कितने कर्मचारी चोट आई है? हमारे उन्होंने निगम के 6 वाहनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ मतलब ये भी चोट आई है, पर हमारे AM राजगढ़ की विशेष करके चोट आई है, उनके हाथ में फ्रैक्चर है। अलवर शहर में स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल में बाल मनोविज्ञान कार्यशाला का आयोजन हुआ। बाल विकास की सभी अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला आयोजक तरुण ने बताया कि बालक कोमल हृदय होता है, उस पर सभी बातों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। उन्होंने बताया कि बालक और अभिभावक का संबंध बहुत मजबूत होता है। बालक में आने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी देना, बालकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, उनके साथ समय व्यतीत करना बाल विकास की आवश्यक कड़ी है। विद्यार्थियों को पुरस्कार व दंड देना अति आवश्यक है। विद्यार्थी के अच्छे कार्य पर उन्हें प्रोत्साहन देना और सराहना करना आवश्यक तत्व है। सिर्फ अभिभावक ही नहीं, अध्यापक भी बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अचानक से विद्यार्थी का शैक्षिक स्तर नीचे हो जाता है। अध्यापकों को आवश्यक कारणों का पता लगाकर उनका निदान करना, धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुनना अति आवश्यक है। बालक पर अभिभावक व अध्यापकों का इतना प्रभाव होना चाहिए कि बालक अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा कर सके और अपनी महत्वपूर्ण बातें उन्हें बता सके। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान का अर्थ किसी के मस्तिष्क को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का पता लगाकर उनका निदान करना है। मॉड्यूलर्स के विद्यार्थियों ने IIT JEE 2023 मेंस परीक्षा जनवरी अटेम्प्ट में शानदार शुरुआत करते हुए फिर से बाजी मारी है। संस्था के 6 छात्रों ने 99 से ऊपर परसेंटाइल बनाकर मॉड्यूलर्स का परचम लहरा दिया है। संस्था के निदेशक सौरभ खान ने बताया कि बच्चों को उनकी आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त हुई है। शिक्षकों की प्रतिबद्धता, छात्रों की कड़ी मेहनत और टीम वर्क की बदौलत फिर सफलता दोहराई गई है। परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद अलवर के मोती डुंगरी में स्थित मॉड्यूलस IIT अकेडमी में उत्सव का माहौल है। कयास ये है कि इस वर्ष छात्र 2022 की परीक्षा की सफलता के रिकॉर्ड से कहीं बहुत आगे रहेंगे। मेंस में 99.82% परसेंटाइल बनाने वाले खैरतल निवासी लव डबास पुत्र राकेश चौधरी ने बताया कि JEE मेंस में सफलता हासिल कर अच्छा लग रहा है और एडवांस में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उन्होंने फिजिक्स में पूरे 100 अंक के लिए अपने शिक्षक राकेश वर्मा सर को श्रेय दिया है। वहीं 99.67% परसेंटाइल हासिल करने वाले स्कीम नंबर 10 निवासी हार्दिक भारती पुत्र मनीष भारती ने बताया कि मॉड्यूलस अकेडमी में प्रवेश लेने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मॉड्यूलस के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों से और शिक्षकों से मिली सीख आजीवन साथ रहेगी। इसी प्रकार 99.66% हासिल करने वाले कोट कासिम निवासी प्रद्युमन पुत्र सतीश शेखावत ने बताया कि शुरुआत अच्छी है और अंतिम परिणाम भी सुखद रहेगा। 99.47% के साथ स्कीम नंबर 1 निवासी पर्व जैन पुत्र प्रशांत जैन ने अपनी सफलता का श्रेय संस्था के मार्गदर्शन और आधुनिक तकनीकी से किए जाने वाले अध्यापन को दिया है। 99.30% प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी मोहल्ला निवासी अक्षत जांगिड़ पुत्र ब्रजेश शर्मा ने मॉड्यूलस का आभार व्यक्त
करते हुए कहा कि अलवर में इस संस्थान का होना शहर के बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है। वही 99.15% लेकर रामगढ़ निवासी अनंत गोयल पुत्र सैफ गोयल बहुत उत्साहित है। उन्होंने बताया कि मॉड्यूलिस में आने से उनका आत्मबल बहुत बढ़ गया है और वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त है। इस दौरान सभी टॉपर्स द्वारा मॉड्यूलिस अकेडमी व उनके शिक्षकों अमित सर, आशीष जिंदल सर, कृष्णकांत सर, नरेश सर, पुष्पेंद्र सर, विजय सर को सफलता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। नौगावा तहसील के बागड़ा बास मुबारकपुर निवासी आशा सिंह पुत्र गुरमुख सिंह ने ब्राह्मण समाज को शमशान के लिए भूमि दान की। उन्होंने मुबारकपुर से नंगला चिड़ावड़ा जाने वाली सड़क पर ब्राह्मण समाज को शमशान बनाने के लिए भूमि का दान किया। समाज के लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुबारकपुर उप सरपंच गुरविंदर सिंह, आशा सिंह, मनोहर सिंह, दूले चंद शर्मा, राजेंद्र शर्मा, सुभाष शर्मा, रतन शर्मा, पूरनमल आदि मौजूद रहे। किशनगढ़ बास क्षेत्र बागोड़ा गांव में पिकअप में मिलावटी दूध होने की सूचना पर डेयरी चेयरमैन और चिकित्सा विभाग की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई करते हुए दूध को नष्ट करवाया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल से डेयरी के कैन में दूध भरकर ले जाने वाले दूधियों पर कार्रवाई करते हुए कैन जब्त किए हैं। सूचना के आधार पर डेयरी चेयरमैन एवं चिकित्सा जांच विभाग की टीम ने कैन में दूध ले जा रही पिकअप गाड़ी को रोका एवं वाहन में मौजूद दूध से भरे कैनों से सैंपलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। डेयरी चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मिलावटी खोरों के खिलाफ डेयरी प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मिलावटी दूध भेजने की जानकारी मिल रही थी। आज दोनों गाड़ियों में मिलावटी दूध होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। पकड़े गए वाहनों में एक वाहन चालक दूध से भरी गाड़ी लेकर भाग गया, जबकि दूसरे वाहन चालक की गाड़ी में भरे दूध का कोई मालिक सामने नहीं आने पर ड्राइवर ने दूध को नष्ट कर दिया। जिला कलेक्टर को मामले से अवगत कराया गया है। वहीं सैंपलिंग के बाद भागे वाहन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। हमारा एक मुखबिर पिछले कई दिनों से हमें सूचना दे रहा था, तो हमने एक हमारी टीम सुबह ही यहाँ 4 बजे आकर खड़ी हो गई। वो रेकी कर रही थी दोनों गाड़ियों की। एक गाड़ी जैसे ही मैं आया मौके पे मैंने पकड़ी, उस पर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और डेयरी की टीम वहाँ सैंपलिंग कर रही थी, तो उसको सैंपल लेने के बावजूद वो गाड़ी भगा कर लेकर भाग गया। फिर जैसे हम दूसरी गाड़ी का पीछा किया तो दूसरी गाड़ी हमने पकड़ी। पकड़ने के बाद हमने इस गाड़ी को चेक किया तो इसमें जो ड्राइवर हमें मिला, उस ड्राइवर से कहा कि भाई हमें चेक करा दूध, तो उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ 3-4 लोगों का दूध है और उस दूध को हमने, मैंने कि उनको बुला लो सबको, तो जैसे ही उनको बुलाने के लिए कहा तो वो सब लोग छोड़कर गाड़ी भाग गए 3 लोगों का। तो उन्होंने उस गाड़ी के ड्राइवर ने खुद ने ही दूध नष्ट कर दिया, लगभग 1200-1300 लीटर दूध नष्ट कर दिया। जो उस खुद का था उसका हमने सैंपल ले लिया है और पूरा दूध उसने खुद ने नष्ट कर दिया है। अभी एक गाड़ी जो हम भाग के गई है उसी का हम अभी टीम हमारी उसका एक गठित करके अभी जो भी है अभी माननीय कलेक्टर साहब को और सूचना दे दी थी कि साहब हमारे साथ ऐसे से गाड़ी भाग के गई है और उसको हमने अभी उसके लिए पुलिस बुलाई है, अभी उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी आगे करेंगे। कहते हैं अगर खेल के प्रति जुनून हो तो कोई उम्र आड़ी नहीं आती। ये वाक्य रामबाई ने एकदम सही साबित करके दिखाया है। रामबाई 105 साल की उम्र होने के बावजूद भी एकदम फिट हैं। इन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में जाकर मेडल जीते। जो युवा खेलने के लिए आगे आने की सोचते हैं और पहली या दूसरी बार में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं वह हार मान लेते हैं। गोल्ड मेडल दादी रामबाई को देखा जाए तो वो 105 साल की उम्र में रेस गोला फेंक में हाथ आजमा रही हैं और मेडल भी जीत रही हैं। रामबाई के साथ उनकी बेटी व उनकी नाती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी के एक छोटे से गांव कादमा की निवासी हैं गोल्डन दादी रामबाई।
खास बात यह है कि रामबाई अभी तक जहां भी प्रतियोगिता खेलने गई हैं, वहां मेडल जीते हैं। रामबाई 105 साल की उम्र में भी फिट हैं। उन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि वे 105 साल की हैं। रामबाई के साथ उनकी नाती शर्मिला भी अलवर में प्रतियोगिता खेलने आई हैं। उन्होंने बताया कि उनकी नानी ने अलवर में 100 मीटर व 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शर्मिला ने बताया कि उनकी नानी अलवर में पहली बार खेलने आई है। इससे पहले रामबाई नासिक, मुंबई, केरल, बेंगलुरु, नेपाल, वाराणसी, महाराष्ट्र, गुजरात में खेल चुकी हैं। सभी में उन्होंने मेडल भी जीते हैं। शर्मिला ने बताया कि उनकी नानी शॉटपुट भी खेलती हैं। लोग प्रतियोगिता में नानी को देखकर कह नहीं सकते कि वह उन्हें टक्कर दे सकती हैं, लेकिन उन्होंने सभी को कड़ी से कड़ी टक्कर दी और मेडल अपने नाम करे। शर्मिला ने बताया कि नानी जल्दी सुबह उठकर खेत पर घूमने के लिए जाती है, घर का बना हुआ खाना खाती है, चूरमा, दही, दूध, हरी सब्जी उन्हें बहुत पसंद है। शर्मिला ने बताया कि उनकी नानी के परिवार में 4 बेटी व 2 बेटे हैं। 105 साल की रामबाई को खेल के प्रति अपना जुनून दिखाने के लिए कई राष्ट्रीय मंच सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें इंडियन आइडल ने रामबाई को अपने मंच पर बुलाया और उन्हें सम्मान दिया। शर्मिला ने बताया कि नेशनल ज्योग्राफी ने उनकी नानी पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई व कई बड़े स्कूलों में भी उन्हें सम्मानित किया गया। संतरा नाम से वो जूता है सा हरियाणा कर्चीदादरी और शाल रेस खेलते हैं कल वैसे लेते हैं रेस का। कितने बजे उठते हैं, कैसे दिनचर्या रहती है, क्या खाते पीते हैं? 8 लीटर मिल्क अच्छे रहते हैं। सुबह उठो 5 बजे उठते ना मैं करा कुछ थोड़ा दफ्तर करा अच्छा पानी पीवा गरम गरम फिर और अच्छे घूम लिया सुबह सुबह और भैंस रखा हाँ जाऊँ काम करा हमेशा सारा डाल लिया और दूध बिलो लिया मक्खन काट लिया और अच्छा खाना खाओ हाँ दूध पी लिया लस्सी दही और टिंडी का घी अच्छे से भी अच्छा ही बढ़िया रहा फल फल कोई नहीं खाया ना खाना सही है खाया ना देसी खाना हरी सब्जी बथुआ की गुंदरा सब बढ़िया खेत में बुआ पालक घिया तोरू अपने खेत में बुआ बहुत अच्छा खाना खाओ था अच्छे हवा लेवा था अच्छा रहा। माँ की 105 साल उम्र से बेटी की 40 तो ऊपर हो गई और मेरी 62 हो गई और अच्छी डाल रहा था अच्छी तबीयत रहे कोई तकलीफ नहीं है ठीक है बढ़िया खाना हाँ हाँ बढ़िया रहा खुश रहा हाँ कितने गाँव गेम में खूब रेस लेवा और घोड़ा थकनारा सारा कुछ कर लेवा हाँ खुश रहा हाँ। आबकारी थाना पुलिस ने मंगलवार को महुआ स्थित भोपर टप्पा गांव में दबिश देकर अवैध स्प्रिट निर्मित नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सहायक आबकारी अधिकारी अंकित अवस्थी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि महुआ भोपर टप्पा गांव में अवैध रूप से नकली शराब बनाकर सप्लाई की जा रही है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल जाप्ता मौके के लिए रवाना हुआ और जाप्ते ने मौके पर पहुंचकर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का फंडा फोड़ कर लगभग 1000 लीटर स्प्रिट 5000 खाली डब्बे 25 पेटी शराब जिनमें करीब 1000 पौवे मौके पर मिले और नकली शराब बनाने वाली मशीनों को मौके से जब्त किया है। नकली शराब बनाने वाले माफिया आबकारी थाना पुलिस को मौके पर देखकर बाइक छोड़कर फरार हो गए। दौसा जिले के अंदर महुआ आबकारी थाना क्षेत्र में भोपर टप्पा नामक गांव के अंदर आबकारी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें मैं सहायक आबकारी अधिकारी अंकित अवस्थी अपनी टीम के साथ जिसमें बांदीकुई और महुआ आबकारी पुलिस की टीम शामिल थी हमने कार्रवाई की। भोपर टप्पा नाम से गांव था, वहां पर हमने
जो अवैध स्प्रिट है उससे निर्मित नकली शराब बड़ी मात्रा में बरामद की है। कार्रवाई भी चल रही है और जैसे ही अधिक जानकारी मिलती है हम अपडेट कर रहे हैं और जो मेजर जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी है। कोतवाली थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है जिसने एक गोदाम की टीन को तोड़कर वेल्डिंग मशीन को चोरी कर फरार हो गया था। इस पर गोदाम मालिक ने शहर कोतवाली थाने पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर अनुसंधान करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी गोली उर्फ बत्तख निवासी खदाना मोहल्ले को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया कि खदाना मोहल्ला निवासी गोलू उर्फ बत्तख ने सुगमा बाई के धर्मशाला के पीछे श्योलालपुरा मोहल्ले स्थित मशीन के गोदाम की टीन को तोड़कर वेल्डिंग मशीन को चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था। कोतवाली पुलिस द्वारा टीम तैयार कर अनुसंधान किया गया जिस पर आरोपी गोलू उर्फ बत्तख को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी गोलू कबाड़ बीनने का कार्य करता है। इस दौरान उसने गोदाम की रेकी की और चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये अभियुक्त ये गोलू उर्फ बत्तख सलोक राजू खदाना मोहल्ला, इसने अपने पड़ोस में ही और सुगना भाई धर्मशाला के पीछे गोदाम से चोरी की थी। अच्छा। इस मुकदम दर्ज हुआ था और इसको गिरफ्तार करके इसे बरामदगी कर ली है जिसने मशीन चोरी की थी। आज इसको न्यायालय पेश किया। किस तरह की मशीन चोरी की थी और किस चीज का? वेल्डिंग की मशीन थी, वेल्डिंग करने की जो मशीन होती है। अच्छा, ये कैसा गोदाम था वो? ये गोदाम तो ये मशीनरी का ही गोदाम है। अच्छा, वहाँ से चोरी की थी। हाँ, अच्छा, तो ये कोई पहले से भी इसके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज वगैरह है? पहला कोई मुकदमा है। अच्छा, कारण क्या बताया चोरी करने का, क्या कारण था इसका? ये वही ये चिल्ली वगैरह बीनने का काम करता था, ये कबाड़े का। अच्छा, और वहीं इसने वो देख लिया था तो इसने टीन को उखाड़ करके सामने से और छुप कर लिया तो गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के मांचा गांव के समीप टेम्पू को कार ने टक्कर मार दी जिसमें टेम्पू सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जहां परिजनों के आने के बाद में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भतीजे हेमंत कुमार ने बताया कि मेरा चाचा महेश कुमार निवासी नवापुरा मोहल्ले का रहने वाला था और वह नमकीन सप्लाई का काम करता था। वह नमकीन सप्लाई करने के लिए टेम्पो से तिजारा गया हुआ था और तिजारा से वापस लौटते समय मांचा गांव के समीप कार ने टक्कर मार दी जिसमें महेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर मृतक महेश कुमार का पोस्टमार्टम कराया। मृतक महेश कुमार एक साल से नमकीन सप्लाई का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। रोजाना नमकीन की सप्लाई पे जाते थे सुबह रोजाना की तरह ही, फिर कल 7 तारीख को नमकीन की सप्लाई पर गए। तियारा, इनका तियारा का रूट था और अरे भाई हर 7 दिन में रूट पे जाते हैं तियारा ही। जब तियारा से सप्लाई करके लौट रहे थे उस समय पीछे से आ रही क्रेटा ने ओवरटेक करते हुए साइड से गाड़ी को दबा दिया जिसके कारण से टेम्पू सड़क पर गिर गया और उसमें सर के चोट लगने के कारण से। क्या नाम पता है, क्या काम करते थे, कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई, क्या है पूरा मामला? इनका नाम महेश कुमार सेन है, इनकी शादी को लगभग 20 साल हो गए और बच्चे इनके नहीं है। इनकी पत्नी का नाम बबली है और दोनों ही नवापुरा मोहल्ले में। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? माचा के पास किशनगढ़। कितने साल से नमकीन का कारोबार कर रहे हैं? अभी लगभग साल भर पहले लगे। पहले क्या करते थे? पहले मेडिकल की दुकानों पे दवाई सप्लाई काम करते थे। एमआर भी सप्लाई के। खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।